अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। और आज मैं एक बहुत ही मज़े की और बहुत ही इजी श्रिम्प बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑफ कोर्स श्रिम्प्स 800 ग्राम्स, 4 टमेटोज़ को आप ब्लेंड कर लें, 2 लार्ज अनियंस को आप स्लाइस कर लें और जिंजर गार्लिक पेस्ट आप 2 टेबल स्पून यूज़ कर लें। तो सबसे पहले हमने ऑयल में 1/2 कप ऑयल, आई यूजुअली डोंट यूज़ अ लॉट ऑफ ऑयल, उसमें आपने अनियंस फ्राई की। स्पाइसेस का प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने बहुत ही मेहनत से सारी चीज़ें एग्जैक्टली लिख दी हैं। तो बस अब सबसे पहले हमने श्रिम्प्स डालने हैं और उनको फ्राई करना है और उसके ऊपर हमने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है। नाउ आई थिंक 5-8 मिनट्स में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे एंड दैट शुड बी इनफ, क्योंकि वैसे भी प्रॉन बहुत जल्दी कुक होते हैं। तो जब ये थोड़ा सा कुक होने ही लगेंगे, आपने इनको ढकना है और थोड़ा सा पकाना है और फिर उसके बाद आपने टमेटोज़ डाल देने हैं, वो सारे स्पाइसेस डाल देने हैं। तो ये बड़ी जल्दी जल्दी बन जाती है, सारी चीज़ें आपने पहले से निकाल ली और ये जल्दी रेडी हो जाएगी। अब आपने इसको कुक करना है तब तक जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ये 15 मिनट्स में ऑयल सेपरेट हो गया था, बस अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। तो मैंने चावल बॉईल करके रखे हुए थे, जैसे एक कन्नी रह जाते हैं, उसके ऊपर मैंने फ्राइड अनियन डाली, कुछ मिंट लीव्स डाले, कोरिएंडर लीव्स डाले, टमेटो स्लाइस मेरे पास पड़े हुए थे थोड़े से, वो मैंने डाले। और इसके अलावा हमने क्या डाला था, चिलीज़ मेरे पास थी वो मैंने डाली। और ये हम वापस से सेकेंड लेयर के लिए मसाला डाल रहे हैं। जस्ट मेक श्योर आपकी पॉट थोड़ी बड़ी हो और चावल बहुत ज़्यादा ना हो। तो इसके अलावा दोबारा से हमने एक लेयर राइस की करनी है और सेम चीज़ आप रिपीट कर सकते हैं, सारे वही स्टेप्स टमेटोज के और फ्राइड अनियन, कोरिएंडर, मिंट। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला और चाट मसाला, एक एक टीस्पून आपने ये दोनों डालने हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास लेमन था वो मैंने डाला और बस ये मैं अपने पास लास्ट लेयर पे मिंट लीव्स डाल रही हूँ, कलर डाल रही हूँ। और अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो वो भी थोड़ा सा डाल दें, नहीं भी है तो चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी इसमें अपनी एक प्रॉपर खुशबू होती है। और अब आपने इसको दम पे रख देना है। चलें, ये अब हम डिश आउट करने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही इजी, क्विक और मज़ेदार सी श्रिम्प बिरयानी तैयार है। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें आपको कैसी लगी, और रायता बनाएं, साथ में सैलेड बनाएं, इंजॉय करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम पिक्चर्स लेते रहते हैं। Show us food.